टुडे सब्जेक्ट वर्ल्ड अराउंड मी पिक्चर। टुडेस टॉपिक मिल्स। मिल्स यानी क्या होता है? हम कोई भी टाइम खाना खाते हैं या लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई भी खाना खाते हैं उसको हम मिल्स बोलते हैं। तो मिल्स के टाइप कौन कौन से हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। तो ब्रेकफास्ट में क्या आता है? ब्रेकफास्ट में टी, कॉफी, मिल्क, जूस, टोस्ट एंड बटर, बिस्किट, इडली सांभर, जैम एंड ब्रेड। तो ये सारे क्या है? ब्रेकफास्ट। जो हम सुबह उठ के खाना खाते हैं ना, उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, ब्रेकफास्ट किसे बोलते हैं, लंच किसे बोलते हैं और डिनर किसे बोलते हैं। ये सारे कौन से है? लंच। लंच हम कब करते हैं? आफ्टरनून में। तो लंच में हम क्या खाते हैं? ब्रेड, पूरी, रोटी, सब्जी एंड ए पापड़, पिकल यानी कि अचार एंड बटर मिल्क। तो सारे क्या है? लंच। और लंच में हम क्या ऐड करते हैं? लंच में हम राइस, पुलाव, बिरयानी और ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल एंड ए इंडियन प्लेट है। जो हम होटल में जाते हैं ना खाने खाते, तो यहाँ पे क्या होता है? इंडियन प्लेट होती है ना, ये सारी सब्जी होती है, रोटी होती है, अचार होता है, बटर मिल्क होती है, तो ये इंडियन प्लेट है। फिर ये क्या है? स्नैक्स। स्नैक्स यानी कि जो हम आफ्टरनून में सो जाते हैं, उठ के हम जो नाश्ता करते हैं ना, उसको हम स्नैक्स बोलते हैं। तो स्नैक्स में मम्मा क्या बना देती है? कोई फ्रूट्स देती है, भेल बना देती है, सैंडविच, पराठा, बिस्किट एंड कुकीज, मिल्क, जूस, टी, कॉफ़ी। तो ये सारे क्या है? स्नैक्स। जो हम उठ के खाना खाते हैं उसको हम स्नैक्स बोलते हैं। फिर लास्ट में क्या बचा है? डिनर। जो हम रात को खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिनर। तो डिनर में हम सूप लेते हैं, सलाद लेते हैं और राइस, पराठा, पापड़। फिर ये क्या है? अदर्स फूड है। या अदर्स फूड में क्या होता है? नूडल्स, पिज्ज़ा, पोटैटो वड़ा, पास्ता, नाचो, समोसा, फ्राइज, बर्गर, फ्रेंकी। ये सब देखकर आपको भी खाने का मन हो गया ना, तो मम्मा को बोलना आज ये सारे बना दे। अब आपको जीके की वर्ल्ड अराउंड मी की पिक्चर बुक निकालनी है। टॉपिक कौन सा है? मिल्स। तो यहाँ पे आपको CW एंड टुडेस डेट डालिए और ये हमारा पेज नंबर 28 है। तो सबसे पहले क्या है? ब्रेकफास्ट इज ईटन इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट किसे बोलते हैं? मैंने बताया ना, मॉर्निंग में हम जो करते हैं नाश्ता उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो ब्रेकफास्ट में क्या होता है? ए इडली, फिर ए ब्रेड, फिर ए मिल्क और ए भाकरी। ये सारे को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, जो हम मॉर्निंग में करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है? लंच इज ईटन इन द आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून में हम जो खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लंच। तो लंच में क्या होता है? लंच में मम्मा ऐसे चपाती बना देती है, फिर ये बिरयानी। तो ये सारे लंच में आते। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? स्नैक्स आर ईटन इन द इवनिंग। तो यानी कि मम्मा जब हम इवनिंग में नाश्ता देती है उसको क्या बोलते हैं? स्नैक्स। तो स्नैक्स में क्या आएगा? पॉपकॉर्न, रोस्टेड कॉर्न, ये सारे स्नैक्स में आएंगे। यहाँ पे सैंडविच है, कॉफी, मिल्क। फिर यहाँ पे क्या है? डिनर इज ईटन इन द नाइट। नाइट में हम जो खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिनर। तो डिनर में हम बाजरा वड़ा, ऐसे और भी कई सारे स्नैक्स। लंच में हम जो खाते हैं ब्रेकफास्ट में, वो भी हम डिनर में यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? अदर फूड्स। अदर फूड्स में क्या आता है? समोसा है, बर्गर, नूडल्स। तो ये आपको अच्छा लगता होगा खाने में, जिसे हम फास्ट फूड बोलते हैं ना, वो अदर फूड में आते हैं। समोसा है, बर्गर है, नूडल्स, पिज्ज़ा एक्सेट्रा। तो ये पेज आपको अच्छे से लर्न करना है और याद रखना है। ब्रेकफास्ट कब करते हैं, लंच कब करते हैं, डिनर कब करते हैं, नाइट में क्या होता है, मॉर्निंग में क्या होता है। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है मम्मा की हेल्प लेके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।